कहाँ से आए हुए? हम यूपी से हापुड़ से आए हुए हैं, जिला हापुड़ से। कितने लोग आए हैं आपके सामने? 60-70 आदमी आए हैं। क्या मांगे आप लोगों की? बस मांग यही है, जिसने गलत करा है उसे गिरफ्तार करो, ब्रजभूषण गिरफ्तार करा जाओ। ये कब तक पहलवान बैठ रहेंगे? ये देश के पहलवान है, मेडल जीत कर लाए हैं, देश की शान बढ़ाई है इन्होंने। और आज देश की शान इन्होंने बढ़ाई, मेडल जीत कर लाए हैं, बढ़ाए थे उस वक्त इन पे फूलों की वर्षा हुई थी। और आज आज ये रोड पे बैठे हैं, ये सोचना चाहिए खिलाड़ियों ने सुने है क्या हल कर रखा है इन लोगों का है। ऐसे तो किसी को पकड़ के सरकार वाले किसी बहन बेटी को पकड़ कुछ भी कर सकते हैं, कोई गिरफ्तार नहीं होगा देश में। भाजपा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा, पढ़ाओ नहीं कहा था, वो गलत कहा था, पटाओ कहा था उन्होंने, वो सुनने में गलत हुआ। क्या कहा था? वो बेटी बचाओ और बेटी पटाओ, गलत भाषण देते हैं ये लोग, यही काम कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं ये लोग। क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं जी खिलाड़ी की पीड़ा खिलाड़ी समझ सकता है, जब लंगोट पैर के कभी जीवन में अखाड़े में नहीं उतरे उनको दर्द क्या पता खिलाड़ियों का। आज खिलाड़ी अंदर दर की ठोकरे खा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं तो पता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलती थी सर, ये बेटी पटाओ वाला सिस्टम है ना, ये पटाओ नहीं है। आपने सुना भी होगा उनकी स्पीच में नरेंद्र मोदी, बेटी खिलाओ और रोड पे बिठाओ, रोड पे बिठाओ, ठीक है जी। 10-10 घंटे प्रैक्टिस करते हैं तब जाके पहलवान बनता है, इनको क्या पता, ये तो कुर्सी पे बैठ जाते हैं नेता राजनेता। ये कहते हैं कि जी मैं तो सांसद बना हूँ, देखो ये तो जो सरकार राजनीतिक पार्टी होते हैं ना, ये तो कोई भी धरना प्रदर्शन हो उसमें एक राजनीतिक मुद्दा बना देते हैं, बट ये पहलवानों की हक की लड़ाई है, हमारे को चाहिए और लेकर रहेंगे। अगर ब्रजभूषण गिरफ्तार नहीं होता नहीं होगा तो चलता रहेगा, धरना तो चलता रहेगा जी। जब एक खिलाड़ी 10 घंटे प्रैक्टिस करता है ना जी, वो तो 10 साल धरना भी कर सकता है यहाँ पे। ये बोलते हैं कि ये खाली पहलवानों का धरना है, ये पहलवानों का धरना, ये पूरे पूरे भारत का धरना है। और मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, खिलाड़ी कोई सा हो हमारे देश पे अगर आएगी तो हम उसके लिए जी जान लड़ेंगे, हर चीज के लिए तैयार है। बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहाँ पर पहलवानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी के लोग भी आ चुके हैं, कांग्रेस भी आ चुकी है, किसान यहाँ पर आ रहे हैं, और लोगों का कहना है कि पूरा देश इन पहलवानों के साथ है। एक वक्त था जब लोकपाल के लिए पूरा देश एक हुआ था, लगता है उसी तर्ज पर आज यहाँ पर पहलवान के लिए पूरा देश एक होने की कगार पर है। मैं अपने कैमरामैन मोहम्मद निजान के साथ अय्यूब मंसूरी, भड़ास.com। ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि हिलने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि शासन में भारतीय जनता पार्टी है, देश में भारतीय जनता पार्टी का राज है, और सांसद भी जो है ब्रजभूषण वह भी भारतीय जनता पार्टी से है। आप एड़ी चोटी का जोर लगा ले, सारे पहलवान जिन्होंने देश का नाम रोशन किया था, जो देश में तमगा लेकर आए थे, गोल्ड मेडल लाए थे, वह जिस वक्त गोल्ड मेडल लाए थे उस वक्त तो उनकी बहुत तारीफ हो रही थी, फूलों की वर्षा हो रही थी, लेकिन आज वही जिन्होंने गोल्ड मेडल लाके देश का नाम रोशन किए थे, वही महिला खिलाड़ी यहाँ पर धरने पर बैठी हुई है। 10-15 दिन हो गए लेकिन वो हिलने का नाम नहीं ले रही है, और सरकार है कि वह भी झुकने का नाम नहीं ले रही है, कहीं ना कहीं लोचा जरूर है।